हूँ। तो कैसे हैं आप सर? पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको और नामों से भी जानते हैं क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अभी तक हमने पढ़ा था क्या मैग्नेटाइजेशन पढ़ा था, वो क्या था कि जो डाइपोल मूवमेंट, क्या है नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, वही हमारा क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन। तो यहां पे देखिए इन्होंने क्या बोला है, ये जो टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसे क्या कहेंगे, इसका जो सिंबल है वो क्या है, एच वेक्टर, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट होता है। इसकी हम लोग प्रूविंग देखेंगे, ठीक है। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, जिसे हम लोग बी नॉट कहते हैं, और परमिएबिलिटी इन वैक्यूम फ्री स्पेस। यही चीज जो है इसको मैंने डिफिनेशन के फॉर्म में लिखी है, ठीक है, इतना समझ में। अब हम लोग समझते हैं, यहां पे सब कुछ भूल जाइए, सब आराम से समझिए। ये देखिए, ये है हमारे पास कोई मटेरियल, हाँ कि ना। अब इसमें कुछ डाइपोल होंगे, कुछ अलाइन होंगे, कुछ नहीं होंगे, हाँ कि ना, इतना समझ में आ रहा है, हाँ कि ना। अब ये जो डाइपोल है, डाइपोल अगर मैं कहूं इसके अंदर डाइपोल है, हाँ कि ना, समझ में आए। अब डाइपोल मूवमेंट इसमें जो होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट यहां पे जो होगा वो क्या होगा हमारा, वो आई होगा, हाँ कि ना, मैग्नेटाइजेशन होगा, हाँ कि ना। जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में हमारा नेट डाइपोल मूवमेंट जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा इस मटीरियल की क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी ज्यादा होगी, हाँ कि ना। अब मैं क्या करता हूं, इसमें क्या करता हूं, कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा लेता हूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगा लेता हूं, क्या लगा लूंगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं इसके। अब जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, क्या करा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो इसके डाइपोल क्या होंगे, अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा बहुत ऐसे 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 थोड़ा बहुत अलाइन होते चले जाएंगे, हाँ कि ना। अब क्या होगा, इसके अंदर जो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसे कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी इसके अंदर, क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर जो बनेगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बी नेट कहेंगे, क्या मान लेंगे, बी नेट मान लेंगे, वो किसकी किसके वजह से होगी, पहली दो फैक्टर्स की वजह से होंगी, पहली किसके अंदर के डाइपोल मूवमेंट की वजह से, हाँ कि ना, जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट इस तरफ होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि ना। पहला हो गया इंटरनल, कौन सा, डाइपोल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे आई, हाँ कि ना, आई फैक्टर हो गया एक। दूसरा हो गया एक्सटर्नल फैक्टर, जो हमने लगाया है क्या, फील्ड लगाई है, वो फील्ड हम लोग मानते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, क्या कहेंगे, मैग्नेट, उस एक्सटर्नल फैक्टर को कहेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जो फील्ड यहां पे इसको मैग्नेटाइज कर रही है, जो फील्ड इस मटेरियल को यहां पे मैग्नेटाइज कर रही है, उसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब यहां पे क्या हुआ, अगर हम लोग इस इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, इस फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा कर देते हैं इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को, जो कि क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, हाँ कि ना, अगर इसे हम बढ़ा देते हैं तो अंदर के भी डाइपोल क्या होंगे, अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, हाँ कि ना। अब क्या किया मैंने, एक्सटर्नल की मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बढ़ानी शुरू की, तो बाहर के डाइपोल भी अलाइन होना शुरू हुए, और क्या हुए, जब अलाइन हो गए तो ज्यादा फील्ड आनी शुरू हो गई। ये पॉइंट अब आप याद रखिएगा कि जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो ज्यादा होती है एक्स कंपेयर टू एक्सटर्नल, हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल भी लग रही होती है और इंटरनल के डाइपोल्स भी क्या हो रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट भी होते हैं क्या, अलाइन हो रहे होते हैं। तो यहां पे जो बी नेट आएगा इस मटेरियल का, याद रखिएगा, बी नेट किसका, यहां पे हम लोग कहेंगे बी नेट क्या है, किसका है, मटेरियल का है।
तो बी नेट जो मटेरियल का आया है वो किसके किसके वजह से आया, एक इंटरनल हा कि ना, जिसे हम लोगों ने आई कहा, एक एक्सटर्नल जो कि क्या होगा एच होगा, वो क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी नेट जो होगा हाँ कि ना, जो बी नेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई प्लस एच के, हाँ कि ना, क्योंकि आई क्या है, आई क्या है इस के अंदर क्या बन रहा है डाइपोल मूवमेंट, अगर जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा ठीक है। अब यहां पे क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, हाँ कि ना। अब देखिए यहां पे जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा यहां पे क्या बनेगी डाइपोल मूवमेंट अलाइन करेंगे, और जब ये दोनों ज्यादा होंगे तब क्या होगा जो बी नेट होगा हमारा बी नेट भी ज्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं जो बी नेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के और एच के, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो जब मैंने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाई तो ये कुछ नॉट आया, क्या आया, ये नॉट आया यू नॉट जिसे कहते हैं म्यू नॉट, हाँ कि ना। अब इस म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं क्या परमिएबिलिटी, क्या परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम कहते हैं, इतना समझ में आया हाँ कि ना, समझ में आया। अब हम लोग आते हैं यहां पे, अब देखिए इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एच, हाँ कि ना, एच क्या है यहां पे, एच है हमारा क्या बच्चों, एच है हमारा बताइए बताइए, अभी भी मैंने आपको बताया था एच क्या है हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी हमारा। अगर मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दूं ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट आल्सो इंक्रीजेस, अब मटेरियल के अंदर जो डाइपोल है वो भी अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो इस लाइन से हम लोग कह सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी नहीं, यहां पे जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यहां पे है, तो ये जो आई होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होगा, हाँ कि ना, ये इतना बताइए हमें। अगर मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दूं तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए, हाँ कि ना। अब जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो यहां पे कुछ एक्स कोई फैक्टर आ जाएगा, कोई फैक्टर है ये ठीक है, एक्स क्या है कोई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है। अब ये इस कॉन्स्टेंट एक्स को हमने क्या कहा, इसको मैंने कहा ये मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी है, क्या है मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी है ठीक है, इसको नाम दिया। और x की जो वैल्यू आएगी यहां से वो i बाई एच आएगा, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम लोग i कहते हैं मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ दीज बोथ ठीक है। अब हम लोग यहां पे आते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट मिली थी और इक्वेशन टू जो कि हम लोगों को यहां से मिली, अगर इसको कंपेयर करें हम लोग, अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो यहां पे हमें आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ, आई की वैल्यू जीटा एच है, तो आई की वैल्यू जीटा एच यहां पे पुट कर देते हैं हम लोग, तो हमें मिल जाएगा बी नेट यू नॉट एच प्लस जीटा एच, हाँ कि ना। इसे जब सॉल्व करेंगे तो एच एच बाहर ले लेंगे, तो म्यू नॉट वन प्लस एक्स एच हो जाएगा, हाँ कि ना। अब ये जो होगा हमारा, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ठीक है, बी नेट को अगर मैं मान लू बी एम या सिर्फ बी मान लीजिए आप ठीक है, और मैं म्यू नॉट वन प्लस जीटा को मान लेता हूं क्या यू एम मान लेता हूं ठीक है, तब क्या इसका एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, तब हम लोग कह सकते हैं बी एम इज इक्वल टू म्यू एम एच, हाँ कि ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू यू एच, हम लोग इसे प्रूफ करने जा रहे हैं बता देने पहले ठीक है। अब देखिए और इसको प्रूफ करते करते बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए म्यू एम को हम लोग लिख सकते हैं, म्यू एम क्या है, क्या परमिएबिलिटी ऑफ मटीरियल ठीक है, इज इक्वल टू बी एम अपॉन म्यू एम, हाँ कि ना, बी एम अपॉन म्यू एम, ये कैसे हो गया, यहां से आप इधर करिए म्यू एम इक्वल टू बी एम अपॉन एच हो जाएगा ठीक है बच्चों। और यहां पे अगर आप एम नहीं रखना चाहते हैं, मटेरियल कहना चाहते हैं सिर्फ, तो यहां पे म्यू नॉट ना लगाइए आप, यहां पे सिर्फ म्यू रखिए, म्यू नॉट होता है वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए, तो यहां पे एम एम हटा दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको परमेबिलिटी, हाँ कि ना, इसको कहा गया, इसके रेशियो को कहा गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, क्या कहा गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसको कहा गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, समझ में आया कि नहीं, इतना हमने जब सॉल्व किया।
अब हम लोग यहां पे कुछ और सॉल्व करना शुरू करेंगे. बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस जीटा एच, हमें पता था ये होता है, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था. अब यहां पे बी नेट जो है, जो बी नेट है इसे हमने बी एम माना था, हाँ कि ना. अब देखिए बी एम की वैल्यू है म्यू एम एच, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आ रहा. अब हम लोग इस म्यू एम एच को यहां पे पुट कर देंगे तो यहां से एच एच कैंसिल हो जाएगा और हमें म्यू एम की वैल्यू मिलेगी क्या, म्यू नॉट वन प्लस जीटा. अब म्यू एम को मैंने कहा था अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इससे तो लिख ही सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस जीटा, जीटा को मान लेते हैं एक्स, ठीक है, हम लोग जीटा को मान लेते हैं आपके लिए एक्स, ठीक है. तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू वन प्लस जीटा, हाँ कि ना भाई एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं. अब म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये देखिए म्यू ऑफ एनी मीडियम, म्यू ऑफ एनी मीडियम अपॉन म्यू नॉट क्या दिखाता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी को, हाँ कि ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी को, हाँ कि ना. और यहां पे क्या हो जाएगा, म्यू आर आ जाएगा इज इक्वल टू वन प्लस जीटा, समझ में आया कि नहीं. इतना फिर से रिपीट करके देखिए, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं. यहां पे जो मैं सॉल्व करा रहा था, यहां पे देखिए कैसे इसे सॉल्व किया रहा, हमारा जो बी नेट था हमने मान के रखा था ये बी एम, हाँ कि ना. अब बी एम को हम लोग बी यू एम एच लिख सकते हैं, अब यही चीज हम लोग यहां पर रख दिया और सट्टे से सॉल्व कर लिए, समझ में आया कि नहीं. अब यहां पे थर्ड बहुत जरूरी है आपको समझना, हमने कहा था जो बी नेट है वो म्यू नॉट वन प्लस जीटा एच है, हाँ कि ना, इतना कहा था. अब जब हम लोग ये चीज कह सकते हैं, सुनते रहिएगा, अब जब हम लोग ये चीज कह सकते हैं तो मैंने कहा था कि बी नेट को आप ये मान लीजिए और म्यू नॉट जीटा को, म्यू नॉट वन प्लस जीटा को यू एम मान लीजिए और ये एच मान लीजिए, हाँ कि ना, जिसको हम लोग बी इज इक्वल टू म्यू एच भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये बी नेट क्या था, फॉर मटेरियल था, हाँ कि ना, फॉर मटेरियल था. और ये जो हमारा आ रहा है बी एम इज इक्वल टू म्यू एम एच या फिर बी इज इक्वल टू म्यू एच, ये भी क्या है, मटीरियल के लिए आ रहा है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड. ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि ना, किसकी, मटेरियल की. तो अगर ऐसे हमारा आ रहा है मटेरियल का, तो वैक्यूम के लिए अगर हम निकालना चाहें तो बी किस में चेंज हो जाएगा, बी नॉट में, क्योंकि जो बी होगा वो वैक्यूम में बी नॉट हो जाएगा और जो यू होगा वो वैक्यूम में यू म्यू नॉट हो जाएगा, यू नहीं म्यू नॉट हो जाएगा, हाँ कि ना. और ये जो एच होगा एज इट इज लग दिया जाएगा, तो ये चीज तो हमारे वैक्यूम के लिए हो जाएगा, हाँ कि ना. अब जब वैक्यूम के लिए हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहां से अब आप मैच कर लीजिए कि जो एच की वैल्यू आ जाएगी म्यू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, हाँ कि ना. तो यहां से ऐसे प्रूफ हो गया ये वाला. अब इसको अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, फॉर अनदर मेथड हम लोग क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल क्या करते हैं, फ्री स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, बी नॉट एक एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, फ्री स्पेस में लगा रहे हैं. अब फ्री स्पेस में कोई डाइपोल तो है नहीं, फ्री स्पेस में कोई डाइपोल नहीं है, तो आई की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी. आई क्या होता था बताइए, आई क्या होता था, आई होता था डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यहां पे दो फ्री स्पेस में डाइपोल ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, हाँ कि ना. अब देखिए यहां से बी नेट हमने कहा था म्यू नॉट एच प्लस आई कहा था, अब आई की वैल्यू जब जीरो हो गई, आई की वैल्यू जब जीरो हो गई तो ये क्या हुआ, आई बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच हुआ, हाँ कि ना. अब ये कहां पर लग रही थी, ये चीज कहां पर लग रही थी, बी नॉट कहां पर लग रहा था, बी नॉट लग रहा था फ्री स्पेस में. तो यहां पे जो बी नेट आ रहा है वो इक्वल हो जाएगा बी नॉट के, फ्री स्पेस में जब लग रहा है तो बी नेट क्या हो जाएगा, बी नॉट के इक्वल हो जाएगा. तो यही बी नेट क्या हो गया, हमारे बी नॉट के इक्वल हो गया. और हमने कहा बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, और यहां से एच की वैल्यू निकाल ली बी नॉट अपॉन यू नॉट, जो कि हमारा ये है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं. इसे आप कह रहे, फिर से एक बार रिपीट करिए, फिर से देखिए आपको 100% क्लियर होगा. देखिए इसे,